तो बात है उस जमाने की जब कोरोना नामक बीमारी हमारे बीच में आई थी 19 मार्च 2020 जब इंडिया में पहली बार एक और माहौल सा बन गया था कि कोविड नाम की कोई बीमारी है आई वॉज इन कोटा विथ माई फ्रेंड इन हॉस्टल एंड वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मोस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ आई आई टी उन्नीस मार्च के आसपास हॉस्टल के अंदर कुछ ऐसा माहौल बन गया था पैम्पलेट्स वगैरह लग गए थे कि अपने रूम में रहो ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें ज्यादा इकट्ठे मत हूँ हमको बीमारी समझ में नहीं आ रही थी क्या है तो हमको बोला क्या ज्यादा से ज्यादा दस पंद्रह दिन होगा फिर निपट जाएंगे भाई। <laughs> <कैसी लगी? laughs> आगे स्वाद। उस टाइम एकेडमिक सिचुएशन ये थी कि मैं ड्रॉप लेके कोटा गया था एंड वो मेरा ड्रॉप ईयर खत्म होने वाला था मार्च एंड में वो सेशन खत्म होने वाला था और अप्रैल में हमारा जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट था और उसी दौरान वो कोरोना आ गया बीस तारीख को पापा का फोन आया कि मैं बेटा तेरे को लेने आ रहा हूँ हॉस्टल का रूम खाली करवा के अपन चल लेंगे सारा सामान लेके और हमको वो बीमारी समझ में नहीं आती क्योंकि हम पढ़ाई के फ्लो में अच्छे से बने हुए थे जय मीन्स के फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी सेकंड अटैम्प्ट के अंदर वो फ्लो बहुत अच्छा बना हुआ था कि हाँ अप्रैल में होगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा बस उस फ्लो को तोड़ने के लिए कोविड आ गया फिर पापा आ गए क्योंकि पापा ने इस बीमारी को कुछ एक्सपर्ट से पता करके पहले ही अंदाज़ा लगा लिया कि बहुत ख़तरनाक वाली चीज़ होने वाली है तो एक बार तो गुस्सा आया कि हमको पढ़ना है और आप आके लेके जा रहे हो फिर पापा का जैसे कॉल है उसके अगले दिन हॉस्टल वालों ने बोल दिया कि आप हॉस्टल से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिर हम भी समझ गए कि बीमारी तो सीरियस है फिर 21 मार्च को मैं और मेरा दोस्त और हम दोनों के पापा लोग आए हमको हमारा सारा सामान खाली करवाया और हमको वहाँ से लेकर चले गए और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके थे हॉस्टल उस टाइम अपनी पर्सनल कार्स के थ्रू फिर अगले ही दिन मोदी जी ने वो जनता कर्फ्यू अनाउंस कर दिया फिर हम वापस कोटा से बीकानेर आ गए एंड एवरी थिंग अनसर्टेन फिर हो गया जेई मीनस का पोस्ट अप्रैल वाला सेशन अगले अनाउंसमेंट तक फिर वो अनसर्टेनिटी बढ़नी वहाँ से शुरू हुई हलो अरेन मासकुल तो मैं हूं एक छोटा सा कंटेंट क्रिएटर मैंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया था आज से एक डेढ़ साल पहले और यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम के ऊपर मैं बिज़नेस स्टार्टअप्स फाइनेंस फ्रीलांसिंग इस सबसे रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूं जो काफ़ी हेल्प करता है लोगों की स्टूडेंट्स की एंड इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेसिफिकली बिजनेस वाला पोर्शन ज्यादा है स्टार्टअप्स वाला पोर्शन ज़्यादा है यूट्यूब पर वो धीरे धीरे अब आगे आएगा तो आज की वीडियो वही होने वाली है कि मैंने किस प्रकार से पच्चीस से तीस लाख रुपये बचाए और वो मेरी लाइफ का सबसे रिस्की एंड सबसे बेस्ट डिसीजन था वो दोनों ही चीज़ें क्यों थी दोनों के रीज़न आपको पता चल ही जाएंगी अभी तो अगर आप इस चैनल को पहली बार प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर यूनिक एंड स्मार्ट कॉन्टेंट लाइक दिस एंड मेक श्योर यू मस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर वन रियल डे विच मेक यू स्मार्ट लेट्स गेट स्टार्ट फिर वो अनसर्टेनिटी बढ़नी वहां से शुरू हुई चारों तरफ माहौल एकदम अनसर्टेन सा ही था कि कोरोना कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है इवन गवर्नमेंट को पता नहीं था कि क्या होने वाला है आगे सब कुछ फिगर आउट कर रहे थे सारे लोग क्या ही होगा और हमको टेंशन थी कि हमारा जेई मीन की तैयारी हो रखी थी वो खत्म ही हो गई थी मतलब एकदम ही रुक चुकी थी बीच में ऐसा माहौल हो गया था और नाइन्टी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हुआ था इवन नाइनटी स्टूडेंट्स के साथ में कोई भी नहीं पढ़ पा रहा था उस टाइम तो हमने सोचा ठीक है दस पंद्रह दिन है फिर वापस कोटा चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर वापस फोकस होकर पढ़ेंगे जब भी एक दो महीने में एक महीने में दो महीने में जेई होगा तब अच्छे से बढ़िया तरीके से देंगे पर जैसे जैसी सोची वैसी नहीं हुई धीरे धीरे मोदी जी ने तालियां बजवाई घंटी बजाई दीपक जुलवाए फिर लॉकडाउन बढ़ना शुरू हो गया और लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते अनसर्टेनिटी बढ़ती ही चली गई और पढ़ाई एकदम नल हो गई हमारी बस हर दिन मुश्किल से एक दो घंटे पढ़ लेते वो ही बहुत था तो ये सारा सीन चल रहा था तो मेरी पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी क्या जी से तो कुछ होने नहीं वाला फर्स्ट अटैम्प्ट में भी अपन से कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं अपन ने तो आई फिगर्ड आउट कि हाँ अपन उखाड़ तो नहीं पाएंगे इसके अंदर मतलब ये तो नहीं कि आई मिल जाएगी एन मिल जाएगी पर हाँ ये जरूर था कि रिग्रेट ना रहे इसलिए आई विल नॉट स्टॉप फाइटिंग फॉर इट तो मैं हर दिन जो मेरे से कुछ अच्छे पढ़ने वाले वो भी नहीं पढ़ रहे थे पर आई वॉज स्टडिंग एवरी डे भले मैं दो तीन घंटे ही पढ़ूँ और वो उस टाइम माहौल इतना अनसर्टिनिटी का था जो लोग उस फेज में थे वो कमेंट करके बता सकते हैं कितना गंदा माहौल था कितने यूट्यूब ने कितना सस्पेंस क्रिएट किया था गवर्नमेंट ने बार बार अलग 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 अलग, 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 अलग नोटिस निकाले थे मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी स्टूडेंट्स को मेंटली उस टाइम बट आई वॉज फोकस्ड मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा था एंड रेगुलरली दो से तीन घंटे पढ़ रहा था और इवन जब जेई मींस का रिजल्ट आया तो मेरा जो अटैम्प्ट जनवरी अटैम्प्ट के अंदर परसेंटेज था उससे परसेंटेज इंक्रीज ही हुआ था एंड दैट वॉज अ सटिस्फेक्शन फॉर मी सेलेक्शन नहीं हुआ पर हाँ आई वॉज हैव मेड एफर्ट्स एंड फाइट फॉर इट एंड मेरे को कुछ ना कुछ तो मिला यार ठीक है सेटिस्फेक्शन ही मिला दैट इस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई गेस ठीक है तो जेई वाला सीन ही खत्म हो गया था एकदम कि हाँ यार वो वाली कॉलेज तो मिलेगी नहीं अपन को आई एक्सेप्टेड इट फिर जो मैंने कुछ टीचर्स वगैरह ने बोल रखा था और मैं थोड़ा अवेयर था यूट्यूब वगैरह पे देखता रहता था शुरू से यूट्यूबर ही बनना था तो यूटूबर्स को फॉलो करता था तो उसके अंदर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जो आपके ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस के ऊपर जेई के साथ साथ में जो तैयारी करते हो उससे आपको उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कुछ अच्छी ब्रांड वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाता है जैसे वी का हो गया मनीपाल का हो गया ऐसे बहुत दो तीन और एग्जाम थे वो मैंने सारे फिल कर रखे थे तो अचानक से प्राइवेट कॉलेजेस वाले जितने भी थे उन सब में, में मेरा सेलेक्शन हो गया था उन सब के अंदर अच्छी रैंक्स आ गई थी ऑन बेसिस ऑफ माय ट्वेल्थ स्कोर और मेरी जो प्रिपरेशन थी जो उनके ऑनलाइन एग्जाम उन, उनके बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छा मतलब टॉप के अंदर मेरे स्कोर थे उन सारे एग्जाम्स के अंदर तो मेरे को ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस मैंने फिल की थी प्राइवेट के अंदर बिट्स वगैरह को छोड़ के उस लेवल की तैयारी तो होती तो यही निकल जाता बाकी सारे वी मणिपाल वगैरह जो भी आप सोच सकते हो वो सारी मेरे को मिल गई थी एंड सी मिल गई थी ऑलमोस्ट सब के अंदर किसी ना किसी कैंपस के अंदर तो बस प्राइवेट कॉलेज वाले अचानक से पैसे लूटने स्टार्ट कर दिया उन्होंने बोला हम काउंसलिंग अभी अगस्त के अंदर कर देंगे और आपको अगर सीट बुक करनी है आपकी तो आप पांच लाख रुपए दे दो तीन लाख रुपए दे दो फर्स्ट टाइम की फीस दे दो और सीट बुक हो जाएगी जब जेई का एग्जाम हुआ ही नहीं था जेई का सेकंड अटैम्प नहीं हुआ था एंड प्राइवेट कॉलेज वाले स्टिल लूटना शुरू कर दिया तो अब दिमाग के अंदर वो आ गया कि हाँ भाई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना क्योंकि यार जब आप दो तीन साल जेई वाले फील्ड में रह जाते हो तो आपके दिमाग में चीज़ फीड कर दी जाती है कि एक अच्छे ब्रांड वैल्यू वाली कॉलेज तो होनी चाहिए अगर आपको आईआईटी नहीं मिल रही एनआईटी नहीं मिल रही बिट्स भी नहीं मिल रही तो हाँ यार एटलीस्ट यू गो टू वीआईटी यू शुड गो टू मणिपाल जिससे आपका पीयर ग्रुप अच्छा रहे और आपका जो एटमोस्फेयर है बढ़िया रहे आपको प्लेसमेंट्स वगैरह में थोड़ी हेल्प मिले एक अच्छी प्राइवेट कॉल, कॉलेज अच्छे ब्रांड वैल्यू वाले कॉलेज में आपको जाना चाहिए ऐसा परसेप्शन रहता है और यही मेरे अंदर था फिर आ गया अगस्त अगस्त के अंदर पाँच अगस्त दो के आसपास पास में वी का रिजल्ट आया था वी आई रिजल्ट के अंदर मेरे को VIT के अंदर कैटेगरी टू कंप्यूटर साइंस मिल गई थी एंड वो एक अच्छी चीज थी क्योंकि इतनी ज्यादा खराब ब्रांच भी नहीं थी मतलब कैटेगरी फाइव तक नहीं थी कैटेगरी टू में मिल गई थी और सी तो वो एक काइंड ऑफ अचीवमेंट था थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ यार कुछ तो मिल गया अपन को तो फिर वहाँ पे वो मेरे को डिसीजन बनाना था क्योंकि अभी तक मेरे को कोई बेस्ट ऑप्शन मिल रहा था तो वी आई के अंदर कंप्यूटर साइंस मिलना ही था कुछ दोस्तों को कैटेगरी फाइव तक भी नहीं मिल रही थी सिक्सटी सिक्सटी थाउजेंड रैंक थी उनकी तो वो मेरे को मिल रही थी तो फटाफट से मैंने क्या उन्होंने कहा कि आपको एक डेढ़ लाख रुपये जमा कराना है आपको सीट बुक कराना है तो पापा ने बोल पापा को बोला तो हाथ हाथ वो पैसे जमा करके सीट तो बुक करा दी मैंने फिर सत्रह अगस्त को उनकी लास्ट डेट थी जब हमको सेकंड इंस्टॉलमेंट शायद कुछ देना था एंड उसके बाद में फर्स्ट सेम की क्लासेस स्टार्ट होनी थी अगर मैं वो नहीं देता सेकंड इंस्टॉलमेंट तो वो मेरी सीट चली जाती हाथ से बाद में मेरा जेई के अंदर हो चाह नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो सीट मेरे हाथ से निकल जाती तो एक वो मेरे को डिसीज़न फाइनल लेना ही था कि क्या तेरे को वी में रहना है या फिर नहीं रहना है और वी नहीं तो कहाँ होगा तेरा जई वगैरह की उम्मीद नहीं थी मणिपाल की उम्मीद थी वो बाद में होने वाला था फिर बाद में मेरा हो भी गया था उसमें तो मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा सोचा एंड फॉर टू टू थ्री डेज़ आई स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स टू थिंक अबाउट दैट डिसीज़न फिर यही निकला कंक्लूजन कि यार अभी डेढ़ लाख रुपये दो लाख रुपये और देने सीट तो बुक हो जाएगी और अपने एग्जाम्स भी मतलब जो सेमेस्टर वाली क्लासेस वो भी स्टार्ट हो जाएगी पर मेरे को वी में क्यों जाना है आई स्टार्ट थिंक टोटल पैसा कितना लग रहा है मैंने वो देखा चार साल के अंदर टोटल जो पैसा लग रहा था कैटेगरी टू थी भले फिर भी सत्रह अट्ठारह लाख रुपए तो इजीली लग रहे थे उसके अलावा यार इतनी दूर मैं बीकानेर में रहता हूँ जो नॉर्थ में वो साउथ में चार साल में फ्लाइट से आना जाना इतना खर्चा निकाल के 25 से 30 लाख इजीली बैठ जाता अपन को पता नहीं चलता वहाँ पे अपन रहते हैं तो भी बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं और इवन वो चार साल ऐसे होते लाइफ के जब आप जीरे हो जिंदगी को उस टाइम और पैसे लगते हैं तो 25 से 30 लाख वाज नॉर्मल अमाउंट इतना तो लगना ही था क्योंकि मैंने फिर जो वी में पढ़ रहे थे बीकानेर के उस लोग उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि यार तेरे कैटेगरी टू है थ्री है कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे पच्चीस से तीस तो लगने लगने हैं ठीक है मैंने कहा ओके कोई ना 25 से 30 लाख रुपए लगेंगे अब इसका आर मेरे को क्या मिलेगा फिर मैंने मेरे एंड से सोच के देखा कि मुकुल तेरे को क्या करना है मेरे को स्टार्टिंग से बनना था क्रिएटर यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया को ही लेवरेज करना था या फिर मेरे को कुछ करना था बिजनेस या स्टार्टअप ठीक है मार्केटिंग वगैरह के अंदर मेरा सुरक्ष दिमाग था फ्री करनी थी मेरे को सब मेरे को क्लियर था पहले तो मैंने कहा ये सब अगर मेरे को करना है तो मैं पच्चीस लाख रुपये क्यों दे रहा हूँ उस कॉलेज को फिर मैंने वहाँ पे पूछा कि शेड्यूल क्या रहता है क्या सुबह से शाम तक क्लासेस रहती है फिर असाइनमेंट्स करने होते हैं वीकली ये टेस्ट होते हैं वगैरह क्यूजेज वगैरह ये सब होते हैं तो मैंने कहा मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं भाई मेरे को तो टाइम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आई लिटरली नीडेड टाइम टू डू समथिंग फॉर मी और अभी मैं कर रहा हूँ पिछले इतने साल से मतलब पिछले डेढ़ दो साल से क्रिएटर वाली जर्नी में काफ़ी अच्छे से मैं कर रहा हूँ मेरे एंड से तो मैंने कहा यार तेरे को टाइम चाहिए मुकुल और वहाँ पे तेरा टाइम ब्लॉक होगा और तेरी जो चीज़ चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा वहाँ पे तो मैंने कहा यार ये डील तो जमेगी नहीं भाई कुछ ना कुछ तेरे को और सोचना ही पड़ेगा तो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट डिसीज़न के यार वीआईटी नहीं जाना मुकुल तेरे को करना कुछ और है और वी तू जाएगा तो फंस जाएगा कुछ भी नहीं कर पाएगा जो तू चाहता है तो उसके बाद में दिमाग में ये चीज़ आई कि यार फिर ये टैग मिल रहा है वी का एटलीस्ट वो छूट रहा है अगर मेरे से कुछ नहीं हुआ क्रिएटर वाली जर्नी के अंदर मैं फेल हो गया हर चीज़ में तो मेरे पास में प्लेसमेंट के लिए भी ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि अगर मैं टीयर थ्री कॉलेज जाता हूँ वहाँ पर तो कंपनीज़ भी नहीं आती एटलीस्ट वी की इतनी रेपूटेशन तो कंपनीज़ आके कुछ ना कुछ तो देखे जाती है तो ये सबसे बड़ी रिस्क थी दिमाग के अंदर फिर मैंने कहा देख कुछ करना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा सेक्रीफाइज वो सीट छोड़ दे तू अगर तेरे कुछ करना है तो कर लेगा चार सालों के अंदर कैसे करके कर लेगा फिर वो एक वो रिस्क थी आपको पता है ना तो उसके बाद मैं फिर कोविड की सिचुएशन देखी कि मैंने कहा यार इस साल पूरा ऑनलाइन जाने वाला है अगले साल का कुछ पता नहीं है तो अगर इस साल में छह लाख रुपये देता हूँ वो तो वेस्ट ही है अब ऑनलाइन कॉलेज के अंदर आप पढ़ रहे हो जूम के आगे बैठ के कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो तो उसका क्या ही मतलब है कुछ पॉइंट आउट नहीं कुछ पॉइंट ही नहीं कुछ निकल ही नहीं रहा उसका आउटपुट और जो पिछले दो साल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इतने पैसे देने के बाद में उनको पता होगा कि उन्होंने कितना कुछ सीख लिया है वर्चुअली कुछ भी पॉसिबल नहीं होता जो चीज़ आप कैंपस में जाके करते हो एटलीस्ट आपको एक्सपोजर मिलता है पीयर ग्रुप अच्छा बनता है बहुत एक्टिविटीज कर सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आप ऑफलाइन हो तो ऑनलाइन में तो आपको गोल मीट और जूम के आगे बैठ के लेक्चर अटेंड करना असाइनमेंट जमा करा है और इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते अगर कुछ फेस्ट भी ऑनलाइन हो रहे हैं तो उसका क्या ही मजा ले लोगे तुम तो फिर वही चीज़ थी यार और आई वॉज नॉट कंसर्न अबाउट प्लेसमेंट्स एट ऑल तो मेरे लिए एक अच्छा स्कोप था कि यार ऑनलाइन होगा तो कुछ मतलब नहीं पैसे वेस्ट ही होने हैं ये छः सात लाख रुपए इस सेमेस्टर के भी वेस्ट ही होंगे तो मैंने कहा चलिए डिज़न फाइनल लेते हैं मुकुल जाएगा नहीं वी के अंदर मुकुल प्राइवेट कॉलेज के अंदर पच्चीस तीस लाख रुपये नहीं लगाएगा बट आई स्टिल स्टडीड कंटिन्यू टिल जेई मीन्स का जो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट हुआ था तब तक अंतिम रात तक मैं पढ़ता रहा क्योंकि रिग्रेट नहीं रहना चाहिए और ये उन लोगों के लिए जो बच्चे अभी पढ़ना जई मींस के लिए फ़ाइट मारे और अच्छे से गिवअप कर देते बहुत जल्दी उस टाइम इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी फिर भी मैं लास्ट डे तक पढ़ता रहा कि हाँ यार अपन को पढ़ना है भले औकात पता हो कुछ भी नहीं होगा पर फाइट मारनी है अपन को और फिर मैंने उस दौरान वी वाली जो एमबीटी थी उसमें मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई अपन को जो करना है उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेजेस अपने काम करनी है पच्चीस तीस लाख रुपए लगाने एकदम फालतू है फिर मैंने ले लिया एडमिशन बीकानेर की ही कॉलेज में मेरी होम टाउन की कॉलेज में और आप सुन के हैरान हो जाओगे बी टेक कंप्यूटर साइंस की जो सीट मेरे को यहाँ पर मिली बहुत इजीली मिल गई ऑब्वियसली टी आर थ्री कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट का और चार साल की मात्र फीस है साढ़े तीन से चार लाख रुपए और घर में रह रहा हूँ मेरा ऊपर रूम है इसके अंदर स्टूडियो बनाया हुआ है एंड आई एम सक्सेसफुली गोइंग थ्रू दिस क्रिएटर जर्नी तो ये इसलिए बेस्ट था क्योंकि मेरे को जो करना था मैं कर पा रहा हूँ विदाउट स्पेंडिंग 25 फाइव टू थर्टी लैक्स ऑफ माई पेरेंट्स मनी अब मेरे को सेम वही डिग्री मिल रही है उसी ब्रांच में मिल रही है और घर पे बैठे मिल रही है मेरे होम टाउन के अंदर ही हाँ वो ब्रांड वैल्यू वो टैग वो नहीं मिल रहा मेरे को पर अगर मैं जाता ना तो भी मेरे को उस ब्रांड वैल्यू का कुछ फ़ायदा नहीं मिलता वो भी पता चलेगा आपको अभी वो सेम चीज़ मैं चार लाख में ले रहा हूँ और कुछ लोग पच्चीस तीस लाख देने के बाद में भी जिस लिए उन्होंने वो पच्चीस तीस लाख रुपये दिए थे वो चीज़ उनको पिछले दो में तो नहीं मिली और आगे भी अभी तीसरा साल है कि कॉलेजेस ऑनलाइन हो रहे हैं अब एक चीज समझो आप अभी जो बच्चे 25-30 लाख रुपए उन कॉलेजेस को दे रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग के वो अभी क्या है मतलब कॉलेज का मतलब पता है क्या होता है आपको आप बारहवीं तक एकदम है ना स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आपको बता दिया चाहते हैं आपको यही यूनिफॉर्म है सबको आपको यही काम करना है डिसिप्लिन से रहना है आपको ये एग्ज़ाम्स देने हैं आपके अंदर क्या होता है खुलते नहीं हो आप अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप इंट्रोवर्ट ही रहते हो आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती पर कॉलेज में जाने के बाद में क्या होता है कि बंदा फर्स्ट ईयर में थोड़ा दब दब के रहता है फिर धीरे धीरे थोड़ी लड़ाई होती है थोड़ा कैंपस का एक्सपोजर मिलता है हॉस्टल लाइफ जीता है वो तो उसको दुनिया दिखती है तो उसको पता चलता है कि आ, दुनिया कैसे काम करती है भाई केवल ये पढ़ाई लिखाई नहीं है केवल ये जो टीचर हमको पढ़ा रहे हैं हमको वो करने से जिंदगी में सफल नहीं होते तो आपको भी पता होगा आप एक कॉलेज लाइफ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा ठीक है ना जो भी अगर एक मेच्योर्ड बंदा देख रहा है कि आपने अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर काफी ज्यादा इवोल्यूशन देखा होगा खुद के अंदर लोग इंट्रोवर्ट होते फर्स्ट ईयर के अंदर फोर्थ ईयर में आते हैं एकदम फुल बी के अंदर जो भी होगा देख लूंगा कॉन्फिडेंस चरम पे पहुंच जाता है पर अब उनके साथ में क्या हो रहा है जिन्होंने 25 लाख रुपए दिए थे जिनको एक्सपोजर के नाम पे मतलब उनको अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक्सपोजर लेना था उनको ऑफलाइन मीटअप्स का एक्सपोजर लेना था उनको वहाँ पे जो ऑफलाइन हैकेथॉन्स हो रहे हैं उनका एक्सपोजर लेना था जो फेस्ट हो रहे हैं उनका एक्सपोजर लेना था किसी को डांस करना था उसको किसी को अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी थी वहाँ पर रैम्प वॉक्स करनी थी उन कॉलेजेस के अंदर होता भाई ये सब चीज़ें हमारे जो छोटे मोटे कॉलेज उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर उनको ये सब करना था एक्सपोजर के नाम पर प्लेसमेंट ठीक है उनको नो डाउट हो सकता है अगर वो टैग के लिए उन्होंने पैसे दिए तो दो तीन चार लाख एवरेज दे ही देंगे वो पर वो मेन जो चीजें होती है कॉलेज की वो किसी को नहीं मिल रही पच्चीस लाख रुपए देने के बाद में भी स्टिल दे आर स्टक इन फोर वॉल्स विद देयर विदी एंड ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तब वो असाइन पेपर दे देते हैं रोज क्लासेज अटेंड कर रहे हैं नोट्स बना रहे हैं सेम जैसे आप कोटा के अंदर पढ़ते थे तब करते थे बैठ के ठीक है वो ही चीज हो रही है एटलीस्ट यू आर गोइंग टू कोचिंग एट दैट टाइम अभी तो वो बस रूम में बैठ के सब कुछ कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा नथिंग प्रोडक्टिव फिजिकल हेल्थ और खराब हो रही है कुछ भी नहीं हो रहा उस चीज yeah <laughs> तो बस तभी मेरे को भी अचानक से रियलाइज़ हुआ कि यार अभी वापस ही ऑफलाइन का नोटिस ऑफलाइन कॉलेजेस बंद होने का नोटिस आ गया ऑनलाइन कॉलेजेस चलेगी अब तो मेरे को रियलाइज हुआ यार मुकुल यू हैव डन वेरी वेरी राइट थिंग दैट टाइम कि अगर मैं एक बार वो रिस्क नहीं लेता कि यार अगर मेरे को प्लेसमेंट नहीं मिली मेरा क्रिएटर जर्नी नहीं चली अच्छे से तो मेरा क्या होगा मेरे को ब्रांड वैल्यू नहीं होगी तो मेरे को प्लेसमेंट नहीं मिलेगी तो वो जो रिस्क थी अब वो न्यूट्रलाइज़ हो गई क्योंकि अगर मैं पच्चीस लाख रुपये दे देता ना तो मैं अभी ऑलरेडी डिप्रेस्ड होता कि यार कहाँ पर दे दिए पच्चीस लाख मैंने कुछ कर भी पा रहा और घर पे बैठा हुआ भी उन कॉलेज वालों से बंधा हुआ हूं हालत यह कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले लोगों को ऑनलाइन रोज क्लासेस लेनी पड़ती है उनको पेपर के अंदर चीटिंग करने के अंदर बहुत ज्यादा जुगाड़ लगाने पड़ते हैं ऑनलाइन तो अलग ही चीज़ चल रही मतलब वो केवल पढ़ पा रहे हैं एंड वो उनको उस कॉलेज जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड गॉट माई परस्पेक्टिव और मेरे को नहीं लग रहा कि आने वाले दस साल के बाद में कॉलेज विल बी अ थिंग ये एक ऑप्शनल चीज़ होगी क्योंकि जो कम्युनिटी लर्निंग होती है कम्युनिटी लर्निंग का मतलब जो आप देखते हो अलग अलग जो एटेक कंपनीज़ कोर्सेज निकालते हैं चार सौ रुपए के अंदर पाँच सौ रुपए के अंदर आपको एकदम एक्सपर्ट बंदा उस चीज़ को अच्छे से समझा देता है तो आई गेस वो चीज़ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी रच्चीस लाख तीस लाख इन कॉलेजेस को चार साल के लिए आप देख के अपनी जिंदगी का इतना टाइम खराब कर रहे हो उससे बढ़िया तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो कि केवल ब्रांड वैल्यू एंड टैग को देखिए उन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले रहे हो और अपने 25 से 30 लाख रुपए ऐसे ही लगा रहे हो हो सकता है कोविड की सिचुएशन एकदम नॉर्मलाइज हो जाए वापस पहले जैसे सारी चीज़ें हो जाए फिर भी प्लीज़ थिंक बिफोर टेकिंग दैट डिसीज़न कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से और अगर वो 25 से 30 लाख रुपए वहाँ पे लगाने की जगह आप कोई बिज़नेस में डालते हो पता है मेरे को हरे के माँ बाप नहीं मानते पर एटलीस्ट यू कैन ट्राई फॉर दैट आप चार पाँच लाख रुपए को बिज़नेस के अंदर लगाते हो तो हो सकता है कुछ और अच्छा हो जाए या फिर आप और कुछ बेटर चीज़ें सोच सकते हो यार केवल उस जगह पर पच्चीस से तीस लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बजाय और मेरे को पता है सबको ऐसी फ्रीडम नहीं मिलती सबकी ऐसी चीज़ें होती नहीं है पर यार मेरे को ये भी पता है कि लोग फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते फिर भी वो के स्टूडेंट लोन अंदर एडमिशन लेते हैं पच्चीस तीस लाख चालीस लाख भी लगाएंगे उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर यार हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास बिलोंग करते हैं जिनको यार लोन लेना पड़ता है ऐसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और मात्र आपको बाद में प्लेसमेंट मिलती है चार पांच छह सी की अगर आपको जेनुअली लेनी हो तो और आप कुछ सीख नहीं पाते हो यार और अभी ऑनलाइन के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा वैसे भी तो यार थोड़ा अजीब लगता है एंड आई एम फीलिंग बैड फॉर ऑल दोज गायज़ हु टुक दिस डिसीज़न एट दैट टाइम जिनको करना कुछ और था और उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया उस कॉलेज उस ब्रांड वैल्यू को छोड़ने का और घर वालों को लोन में डाल दिया डेट में डाल दिया एंड दे आर स्ट्रगलिंग एंड एक्चुअली आई हैव मेट सच फ्रेंड्स जो रियल में डिप्रेस इस चीज़ को लेके सो प्लीज़ थिंक अबाउट दिस एंड बहुत जेनरिस इश्यू था ये बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड यूट्यूब के कोई जनरली बात नहीं करता तो मैंने सोचा बात कर लीजिए अगर तो आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो पक्का है कि आपको इस चीज के अंदर इंटरेस्ट है एंड यू गॉट सम पर्सपेक्टिव अबाउट दीज थिंग्स सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स भी थे कली जो खुद अपने बच्चों के लिए फिर खुद के लिए ऐसा सोच सकें कि हाँ यार ऐसा पर्स्पेक्टिव होना चाहिए एक बार के लिए मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसा कर लेंगे या कर पाएंगे क्योंकि सबकी ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि वो इतना रिस्क ले सके या फिर खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हों या फिर उनको प्लेसमेंट लगनी नहीं होती ऐसा कुछ नहीं पर हायर ऐसे केसेस होते हैं वो रिस्क डरते हैं ऐसा लेने से बस वो जो दस परसेंट पंद्रह परसेंट लोग अगर वीडियो आपको पसंद है प्लीज तो प्लीज लाइक इट तो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल तब तो तो तक, तक हैप्पी है टेक केयर जय हिंद